अमेजोन के जंगलों से पृथ्वी को पूरी 20% जो जितनी भी ऑक्सीजन है पूरी पृथ्वी पे, वो 20% जो ऑक्सीजन है वो अमेजोन के जंगलों से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लाखों संख्या में जो पौधे वहाँ पे लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ से जो पूरी पृथ्वी को, सभी को, हमें भी जो जितने भी इंसान जीव पूरी धरती पर हैं, सभी को जो ऑक्सीजन वहाँ से 20% जो ऑक्सीजन है वो वहीं से प्राप्त होती है। तो इसलिए आज की स्पेशल वीडियो जो पूरी देखिए लास्ट तक, उसमें बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है और क्यों पौधे लगाए जाते हैं। तो एक जो हमारा ये पौधा होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये अर्जुन का पौधा है। तो ये करीबन अगर इसकी जो ऊंचाई 10 फीट होगी तो करीबन समझ लो कि 100 किलो से ऊपर जो ये ऑक्सीजन दे रहा है। तो 100 किलो जो ऑक्सीजन एक ये 10 फीट का जो पौधा यहाँ पे दे रहा है अर्जुन का। अगर नीम का पेड़ लगाओगे तो वो आपको करीबन 18 से 20 घंटे तक जो ऑक्सीजन आप प्राप्त करोगे नीम के पेड़ से। तो एक पौधे से अगर पूरा जो नीम का जो पेड़ होता है, या पीपल का लगा सकते हैं, पीपल का पौधा भी आपको जो 20 से 22 घंटे ऑक्सीजन वो देगा डे नाइट। तो एक पौधा अगर पूरा 20 फीट का हो गया नीम का या पीपल का, तो वो करीब आपको 230 लीटर ऑक्सीजन जो वो प्रदान करेगा सभी को, यानी कि पृथ्वी को। और उससे करीबन पौधे से ही आपको 24 घंटे के लिए पांच इंसान की जो जितनी भी पांच जो इंसान है वो ऑक्सीजन लेते हैं वो प्राप्त हो रही है, यानी कि एक पौधे से ही पांच इंसान को जो वो ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। तो इसलिए पौधे लगाने बहुत ही ज़रूरी है। और आज की स्पेशल वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे कि हमारा ये पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पे 30,000 मुर्गी एक हाउस में है, तो 30,000 मुर्गी को जो ऑक्सीजन चाहिएगी, तो ऑक्सीजन जो पर्याप्त मात्रा में जो पौधे हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले 4 साल में 1800 पेड़ यहाँ पे लगाए हैं, आप देख सकते हैं सभी तरह के जो हमने पेड़ लगाए हैं, नीम के हैं, अर्जुन के हैं, फलदार भी बहुत पौधे लगा रखे हैं, अमरूद भी हैं, आम भी, यानी कि करीबन हमने जो 4 साल में ही 1800 पौधे जो यहाँ पे लगा दिए, जिससे हमें फ़ायदा हुआ है कि जिससे मुर्गी स्वस्थ रहेगी और ऑक्सीजन भी ये सभी को जो प्राप्त होगा अच्छी तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा जो इसका बेनिफिट मिलेगा, मुर्गी आपकी जो स्वस्थ रहेगी, इंसान भी जो स्वस्थ रहेगा अगर ऑक्सीजन जो स्वस्थ अच्छी मात्रा में जो मिलेगी। दूसरा कारण इसका ये हो गया पौधे लगाने का, अगर आप पौधे लगाने हो तो वातावरण बहुत ही अच्छा रहेगा। अब पृथ्वी के ऊपर जो एक ओजोन परत होती है, ओजोन परत क्या होती है, उससे जो जितना भी जैसे सूरज का जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी पे आता है, अगर पूरा टेम्परेचर सूरज का जो पृथ्वी पे आ जाए, ओजोन परत अगर जो ख़त्म हो जाएगी और सूर्य का जो पूरा जो प्रकाश अगर पृथ्वी पे जो आके वो पड़ेगा, तो पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यही सब देखा जा रहा है कि कितना बारिश ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। तो ये सब यही कारण है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो प्रदूषण बहुत ही कम होगा, वातावरण सही रहेगा, और जो हमारी ओजोन परत है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और सभी जीव जो बचे रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, कम से कम एक साल में, अब ना कम दे तो कम से कम एक साल में 4 से 5 पौधे तो आप लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, ऑफिस के बाहर लगा सकते हैं, यानी ये पौधे लगाने बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एडवांस फार्मिंग के लिए। जय हिंद, जय भारत।